कैमरा एमसीबी कॉल करेंगे, यहाँ से सप्लाई मेरा यहाँ आ गया है और ये हमारा आर वाई बी का एक एमसीबी है। इसको अगर हम आर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आर फेज दिखाएगा, वाई को ओपन करेंगे तो वाई फेज दिखाएगा और यहाँ बी ओपन करेंगे तो बी फेज दिखाएगा। यहाँ से हम फेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफ है, यहाँ पर दोनों में इसको ये फेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये 220 वोल्ट का सप्लाई जो कि 220 वोल्ट ये और उधर का पार्ट जो कि स्टार्टर हमारा चालू हो जाएगा। यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई चला गया है इस स्टार्टर और उधर दो स्टार्टर पर। उसके बाद हमारा ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जो कि इस वाले पार्ट को सबको सप्लाई देगा। उसके बाद ये हमारा स्टार्टर और अब ये स्टार्टर और तीनों स्टार्टर को चालू करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑटोमेशन और मैनुअल दो तरह से हमको का मैनुअल की सहायता से मोटर को हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ऑटोमेटिक जो इस पे रखेंगे तो हम ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी एचएमआई के थ्रू मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेल्टा स्टार्टर है तो यहाँ पर हम स्टार डेल्टा को चूज करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और मेरा मोटर भी स्टार्ट है इसलिए इंडिकेटर ऑन है और जब इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जब हम मैनुअल इसको रखेंगे तो हम यहाँ पे पुश बटन की सहायता से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे आपके चार्जर को चार्जर पाते हैं तो हम यहाँ भी ऑटोमेटिक और मैनुअल की सहायता से मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। जब ऑटोमेटिक पर रखेंगे तो यहाँ से एचएमआई के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन को स्टार्ट कर सकते हैं मोटर जो कि हमारा मोटर भी स्टार्ट है, इंडिकेटर भी जला हुआ है और यहाँ से स्टॉप कर दिए तो मोटर मेरा स्टार्ट हो ऑफ हो गया। उसके बाद अगर इसको मैनुअल रखेंगे तो यहाँ से हम पुश बटन की सहायता से स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप करना हो तो इसी पुश बटन से स्टॉप कर सकते हैं। और ये हमारा वीएफडी है जिसका मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये सिर्फ ह्यूमन मशीन इंटरफेस से ही कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे वीएफडी है तो हम इसको वीएफडी चूज करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पोर्ट है पोर्ट की सहायता से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आरपीएम भी बढ़ेगा। जिस तरफ बढ़ाएंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा आरपीएम भी घटते जाएगा और बढ़ते जाएगा। अधिकतम 50 हर्ट्ज तक जाएगा और 1500 आरपीएम तक जाएगा। यहाँ से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं और ये हमारा टॉगल स्विच है जिसकी मदद से हम कोई स्विच को ऑन ऑफ करा सकते हैं और ये हमारा सप्लाई आ रहा है उसका इंडिकेटर है और ये हमारी इमरजेंसी स्विच है। अगर कोई भी अगर फॉल्ट अगर नजर आ रहा है तो हम इमरजेंसी स्विच दबाकर इसको ऑफ कर सकते हैं और ये हमारा बजर है जो कि संकेत करेगा कि इमरजेंसी लगा हुआ है।